हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे। भोले बाबा सब पे कृपा बनाए रखें, सबके जीवन में खुशहाली दें। और अभी मैं लाइव कर रही थी थोड़ी देर पहले, और दो बार मैंने लाइव की। पहली लाइव की तो कनेक्शन चला गया, पता नहीं क्या हुआ, वाईफाई में अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया। और दोबारा से लाइव की, तभी खटखट हो गई डोर पे, कोई आ गया था। तो कौन आया था वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और तब तक वो अपना काम कर रहे हैं जो लोग आए हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं भी खाना बना लेती हूँ, तो अभी मैं किचन में हूँ और अभी बना रही हूँ दाल चावल। और दिखाती हूँ आपको कि कौन आया है, जिनकी वजह से मुझे लाइव आज बंद करनी पड़ी। आज कितने दिनों बाद लाइव करने का सोचा, लेकिन दोनों बार ही लाइव नहीं हो पाई। लगता है भोलेनाथ यही चाहते थे कि मैं आज लाइव ना करूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि कौन आया है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हो रही है एसी की क्लीनिंग सर्विस। और यही भैया लोग आ गए थे, तो मुझे लाइव अचानक से बंद करनी पड़ी, क्योंकि मैं इसी रूम में बैठ के ही लाइव करती हूँ। और वैसे भी अगर घर पे कोई और ना हो तो आपको ये टेंशन देनी पड़ती है, इसलिए मुझे ही एलवी बंद करनी पड़ी। और सच में बहुत ही अच्छी सर्विस कर रहे थे भैया, बहुत ही टाइम लगा के इन्होंने सर्विस की। ये मेरा जो एसी है ना, ये ओ जनरल का एसी है, लेकिन फिर भी पूरी कूलिंग नहीं कर रहा था। ओ जनरल सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है, लेकिन कूलिंग ही नहीं हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा गंदगी इसमें हो गई थी। 3 महीने हो गए थे इसकी सर्विस करवाए हुए, और दिन रात एसी चलता है। ऊपर का पोर्शन है, गर्मी की वजह से दिन रात चलाना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। इसीलिए हमने कहा कि पहले सर्विस करवा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और यकीन मानिए, सर्विस होने के बाद 5 मिनट से ज़्यादा एसी नहीं चलाया जा रहा है। इतनी ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है ना अभी ये। 5 मिनट एसी चलाते हैं तो कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, फिर चला लेते हैं, नहीं तो परमानेंट ही एसी चलाना पड़ रहा था। तो एसी की सर्विस करवाने का भी बहुत फ़ायदा होता है। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी, बहुत ही ज़्यादा गंदगी इसमें से निकली है। देखिए, आप देख सकते हैं नीचे कितना गंद निकल रहा है। आगे होके मारो भैया, थोड़ी सी आगे होके मारो, पीछे प्रेशर नहीं जा रहा पूरा। देखो अब निकला है गंदा पानी। और यहाँ पे हो चुकी थी एसी की सर्विस, तो बस ये भैया अब नट बोल्ट ही लगा रहे थे और एसी की फ़िटिंग कर रहे थे दोबारा से, जो भी पार्ट्स इसके उतार के इन्होंने क्लीन किए थे। और मैं बना रही थी बीच बीच में खाना, क्योंकि गौरी के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, लेकिन आज वो भी थोड़ी सी लेट हो गई और मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी। लेकिन जब तक इनका भैया का काम निपटा, तो गौरी भी आ गई थी और उधर मैंने खाना भी बना लिया था। आज खाने में बने हैं दाल चावल, अभी दिखाती हूँ आपको। चलिए चलते हैं किचन में मेरे साथ। और इधर दाल चावल बन चुके हैं। गौरी भी आ गई थी स्कूल से, तो उसको भी दे दिया है मैंने, क्योंकि फिर उसे ट्यूशन भी जाना है। इसमें है धुली उड़द की दाल और ये है राइस, फुलके भी मैंने बना लिए थे, तो बस वो खाना खा रही है। और मैंने अपने लिए काटा है एक बब्बू गोशा। लेकिन बब्बू गोशा होता क्या है तो कईयों को शायद पता भी नहीं होगा। और ये देखिए आदि भी आ चुका है नीचे से। आदि 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 इधर आओ, इधर 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 इधर, मैं दिखाती हूँ क्या हुआ क्या हुआ। और यहाँ पे अभी बेडशीट ये चेंज कर दी बेड की, और टॉवल्स रखे हैं। अभी मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, लेकिन पानी कम था तो सोचा कि चलो बदल तो लेते हैं, फिर लगाऊंगी बाद में। चले गए अंकल जी, चले गए।
ये ना एसी वाले अंकल को ढूंढ रहा है, जब से नीचे से आया ना अंकल 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 लगा रखी है। गए बेटा अंकल गए, वो देख एसी अपना साफ हो गया, वो देखो अपना एसी क्लीन हो गया। देख ऊपर कहाँ छुप रहा है, कहाँ छुप रहा है, बाहर आ, बाहर आओ जी, बाहर आओ। चले गए अंकल, चले गए। तो चलिए दिखाती हूँ आपको बब्बू गोशा क्या होता है। ये वीडियो पता नहीं ना कहाँ कहाँ जाएगी, तो जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको तो पता है कि बब्बू गोशा क्या होता है। ये देखिए नाशपति की तरह का एक फ्रूट होता है, ये ग्रीन एप्पल। अच्छा ग्रीन एप्पल बोलते हैं इसे, मुझे तो खुद नहीं पता था, ग्रीन एप्पल होता है ये। अरे वाह। और गौरी खाना खा रही है और अक्षरा वहाँ लगी हुई है अपने काम में। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आप लोगों को एक बार बोला था ना वीडियो में कि मैं आदि की बुक्स मंगवा रही हूँ, तो वो बुक्स आ गई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर दिखाओ बेटा, सबको दिखाओ। और ये पिलो वहाँ पे रख दो, ये पिलो कवर वहाँ रख दो टेबल पे, अभी धोएंगे। एक रह गया, ये भी उठाओ, एक उठाओ, ये रह गया, खा लो आदि, आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। जिसको ये क्या है, पियर नाशपति को बोलते हैं बेटा, मैं वही तो कह रही हूँ, नाशपति के जैसा फ्रूट है। लेकिन बब्बू गोशे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये देखिए पियर तो नाशपति को बोलते हैं बेटा, ये बब्बू गोशा है। ला बुक्स दिखाओ इधर, मैं सबको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है फ्रूट्स की बुक, है ना बढ़िया। और इसकी क्वालिटी देखिए आप, बिल्कुल ये देखिए कार्डबोर्ड है ये, बिल्कुल लैमिनेटेड और बिल्कुल फटने वाली चीज़ नहीं है ये। पूरा मुझे 12 का सेट मिला है, नहीं 10 का सेट मिला है, 10 बुक्स हैं इसके अंदर। अभी दिखाती हूँ आपको, तो ये देखिए ये है वो सेट पूरा, और इस तरह के बॉक्स में ये मुझे मिला है। ये देखिए माई फर्स्ट लाइब्रेरी 10 बुक्स का सेट है। तो ये देखिए ये है वो बुक सेट जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ही वो आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। बेटा एक मिनट ना, दिखाने तो दो सबको, ये तो ऐसे रात जमा के बैठ गया ना इन बुक्स के ऊपर कि किसी को नहीं देता दिखाने के लिए भी। अभी दिखा रही हूँ, अभी अभी दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ, एक मिनट। आप अपना फ्रूट खा लो इतने, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बुक्स हैं सारी, फ्रूट्स कलर्स शेप्स नंबर्स, और ये फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, वेजिटेबल्स, एबीसी, वाइल्ड एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट। एक और इसमें से मिसिंग है, वो इसने अभी पता नहीं खेल रहा था, इधर उधर रखी है। तो इस तरह से ये बुक सेट है और इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से छोटी छोटी बुक्स हैं, लेमिनेटेड हैं और बिल्कुल फटने का डर नहीं है। ये देखो 1, 2, 3, 4 इस तरह से सारी बुक्स में है ये। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी, और ये 380 का सेट था और 40 रुपये इस पर मुझे डिलीवरी चार्ज मिले लगे हैं, तो 420 का ये हो गया। 10 बुक्स के हिसाब से तो बहुत सही है, यानी 42 की एक बुक है ये, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा ये सेट। तो अगर आप में से कोई ऑर्डर करना चाहे तो आप भी अमेजोन पर ज़रूर देखिएगा। और एसी वाले भैया इतनी बेस्ट सर्विस करके गए हैं ना, आज पहली बार जितने भी मतलब 7-8 साल हो गए हैं एसी लगवाए हुए हमें, तो अभी तक जितने बार भी सर्विस करने के लिए आए हैं बंदे, लेकिन मुझे इनकी सर्विस सबसे बेस्ट लगी। बहुत ही आराम से तसल्ली से एक एक चीज़ को खोल के अच्छे से पॉइंट इन्होंने क्लियर किया, एक एक मैं देख रही थी कि किस तरीके से सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली से आराम से किया, नहीं तो काम चलाओ काम ही होता था हर बारी। और कूलिंग भी अब ज़बरदस्त कर रहा है एसी, बारिश का मौसम तो है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, और ऐसे मौसम में ना चिप 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 वाली गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए अब एसी चला के बैठे हैं। बच्चे खाना खा रहे हैं, मैंने सोचा मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे। और आज गौरी भी थोड़ा लेट हो गई थी आने में, क्योंकि खट्टर साहब आए हैं यहाँ पे आज हमारे पेहवा में, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, जबकि उनको आना तो था सुबह और अभी तक नहीं पहुँचे हैं, और अभी बज रहे हैं 2:15, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मंत्री जी हैं भाई, आराम से ही आएंगे। तो इस वजह से उनकी बस का रूट भी थोड़ा सा चेंज था, स्कूल बस का, तो इसलिए अभी थोड़ा लेट हो गई आज, और अभी इसको ट्यूशन भी जाना है, तो फटाफट से खाना दिया कि आप खाना खा लो बेटा फिर जाना है आपको।
बस यही सब कुछ था आज के व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करना था। और आप में से किस किस ने सावन के पहले सोमवार का व्रत रखा है और कौन कौन रखने वाला है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने एक हमारे यहाँ पे अरनाई मंदिर है जिसकी वीडियो शेयर की थी, भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है पूरे हरियाणा में और इतनी मान्यता उस मंदिर की, कहते हैं कि जो भी कोई वहाँ पे कुछ मांगता है तो उसको ज़रूर मिलता है। और हमारे यहाँ पे मेरे फैमिली में ट्रेडिशन है जब भी शादी होती है या किसी की गोद भरती है तो सबसे पहले वहाँ पे वेली चढ़ाई जाती है। वेली जैसे कि गुड़ की होती है ना, गुड़ 5 किलो 5.25 किलो इस तरह से वेली चढ़ाते हैं तो वो वहाँ पर चढ़ाया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो वो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और ज़रूर मंदिर में के दर्शन कीजिएगा घर बैठे बैठे ही। जो लोग यहाँ आ सकते हैं तो उससे बढ़िया तो बात ही कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग घर बैठे बैठे दर्शन करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने उस मंदिर का पूरा इतिहास बताया है कि कैसे कैसे वहाँ पर स्थापना हुई थी, कैसे प्रकट हुए थे भोलेनाथ, तो ज़रूर देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है वो वीडियो पसंद आएगी आपको। और आज की वीडियो कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।